यीशु के नाम से सब प्रिय लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और इस सुंदर समय पर मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा संदेश शेयर करना चाहते हैं। ऐसे समय हैं, पूरा देश में, विश्व भर में लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन और वो त्योहार मना रहा है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य के रूप में आया। परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन के मूड में आप सब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है। हम इस पृथ्वी में क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन अलग अलग रीति में करते हैं, एक बार आप हमारे लिए इस धरती पे अपना जीवन देने के लिए और हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए आया हुआ उस यीशु की ओर देखना है। यीशु आपको और मुझे देखकर आनंदित है या नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होना हमारा जीवन की सौभाग्य है। बाइबल कहते हैं एक पापी का मन फिरा स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पे मनुष्य के रूप में आया, यह सत्य है। और यीशु पूरा मानव की पापों का मुक्ति के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दिया, मरकर तीसरे दिन जी उठा, विश्वास योग्य वो सत्य है ये। और आप और मैं इस यीशु पर विश्वास करने के कारण पापों से मुक्ति पाया और उद्धार पाया। हमें मालूम है यीशु हमारा जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, हमें पापों से मुक्ति दिया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हम परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना। लेकिन आज आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इस समय हमारा जीवन में ये बातें देखना है, स्वर्ग में आनंद परमेश्वर मना रहा है कि नहीं। मैं आप प्रिय लोगों से यह कहना चाहता हूं यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हमारा चारों तरफ बहुत सारे लोग आज दुख में हैं, परेशानी में हैं, बंधुआई में हैं और अपने जीवन में कष्ट में हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वो भाई बहन अपना जीवन में दुख और तकलीफ भरा हुआ जीवन बिता रहे, वो पाप के गुलाम बनकर जी रहे, बुरी आदत के गुलाम बनकर जी रहे। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया जीवन देने के लिए और बहुत आय से जीवन देने के लिए। यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये काम परमेश्वर ने आपको दिया है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेंगे। वो जीवन यीशु मसीह का जीवन आपके द्वारा, हम सबके द्वारा दूसरों लोग अनुभव करना है। शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु आपका जीवन में रहकर आपके द्वारा ये काम करना चाहते हैं, हमारा द्वारा ये काम करना चाहते हैं। और आज इस क्रिसमस सेलिब्रेट करने का समय, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है एक पापी का मन फिरा स्वर्ग में आनंद है, तो उस कार्य के लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। पापियों को मन फिराने के लिए यीशु का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचाए। यीशु ने कहा जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। हमारा जिम्मेदारी है सबको सुसमाचार सुनाना। इस क्रिसमस पर सबको यीशु का सुसमाचार मिलना है। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने का उस अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। जब तक हम प्रचार ना करें कैसे वो सुनेगा, जब तक अब सुनेगा नहीं कैसे विश्वास करेगा। इस क्रिसमस में हजारों लाखों करोड़ों आबादी पाप की गुलामी से आजाद होने के लिए यीशु मसीह ने किया वो उस अद्भुत बात को हम सबको बताएं।
हमारा देश में किसी क्षेत्र में कोई भी पाप के गुलाम बनकर रहने की जरूरत नहीं है। वो ये खुशखबरी, आज भी दुनिया पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे, अपनी गुलामी से आजाद होने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन यीशु ने बोला है, क्रूस पर यीशु ने कहा, मैंने सब कुछ कर दिया, इट इज फिनिश्ड। यीशु का क्रूस का मृत्यु फिनिश वर्क है। आप और मैं यीशु पर विश्वास किया, यीशु की सच्चाई जाना है, हम बाकी लोगों को उस खुशखबरी सुनाना है। भाइयों, हे बहनों, आप अपने जीवन में कष्ट में, पाप में डूब कर नरक में जाने की जरूरत नहीं। आपको बचाने के लिए यीशु क्रूस पर मारा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये खुशखबरी सबको सुनाने का जिम्मेदारी हमारा है। मैं विश्वास करता हूं इस क्रिसमस पर ये सच्चाई को, ये सत्य को सबको फैलाने, सबका जीवन में पहुंचाने के लिए प्रभु आपको और मुझे, हम सबको मदद करें। हमारा जीवन की द्वारा, हमारा देश की और पूरे विश्व भर में लाखों करोड़ों का जीवन बदल जाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है। उसके आगमन के लिए हम और हमारा कलीसिया, हमारा भाई बहन, हमारी आसपास के लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। कोई भी नरक में ना जाए, नरक में से हमें बचाने के लिए यीशु आया। कोई भी मनुष्य ना सुना, परमेश्वर नहीं चाहते, सबका उद्धार चाहते, तो वो काम हम मिलकर करें। प्रभु आपको, हम सबको उसके लिए सहायता करें। एक क्रिसमस की समय हमारा जीवन में सबको यीशु के बारे में बताने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु आपको सामर्थ दे, बुद्धि दे, अभिषेक दे, और नया साल में हजारों को प्रभु के राज्य में जोड़कर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाने के लिए, और खुशी और आनंद का जीवन साल में एक बार नहीं, हमेशा हमेशा खुशी में जीने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। इस क्रिसमस के अवसर पर आपको बहुत सारे बधाइयां और नया साल की मुबारक। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।